चलिए इनशा आज हम अपनी रमदान दुआ की दुआ नंबर इनशा करेंगे बहुत प्यारी और खूबसूरत दुआ है अपनी नीयतें अल्लाह के लिए खालिस करते हैं दुआ शुरू करने से पहले का इसके बारे में एक नीयत के ख़ुलूस के बारे में एक हदीस को दोबारा रिव्यू कर लेते हैं ताकि नीयतें अपनी प्योर करें अल्लाह के लिए अब वो मामा बहाली फरमाते हैं एक आदमी नबी हाजिर हुआ और कहने लगा कि आप बताएं एक शख्स जंग के लिए जाता है और सवाब और शोहरत दोनों का तलबगार है उससे क्या मिलेगा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे कुछ नहीं मिलेगा उस शख्स ने ये सवाल तीन दफ़ा दोहराया हर दफ़ा रसूल अल्लाम से फरमाते थे कि उसे कुछ नहीं मिलेगा फिर आप अलैहि वम ने फरमाया बेशक अल्लाह सिर्फ उस अमल को कबूल फरमाता है जो खालिस उसके लिए किया जाए और उसके जरिए सिर्फ उसका चेहरा चाहना मकसूद हो तो इसलिए आप देखें कि जब तक इंसान के अंदर खलूस ना हो तब तक अल्लाह अमल कबूल नहीं करते जैसे अब ये शख्स क्या चाहता था सवाब भी मिल जाए साथ ये कि लोगों को पता भी चल जाए जरा पॉपुलरिटी भी हो जाए उसकी तो अगर कोई इंसान दुनिया की कोई भी ख्वाहिश रखता है अल्लाह का काम करते हुए अल्लाह का दीन सीखते हुए सिखाते हुए तो उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है तो लिहाजा जो भी काम करें खालिसतन अल्लाह के लिए करें और इसके जरिए अल्लाह का चेहरा चाहे आज की हमारी दुआ जो है वो नेकियों में सबकत के बारे में है और नेकियों में सबकत करने वाले बहुत सारी आयात कुरानी मजीद में आती हैं जैसे साबिकुन साबिकुन अल्लाह के रस्ते में सबकत ले जाने वाले हैं इसी तरह सूरमिन में भी जो लोग नेकियों में सबकत रखने वाले उनकी कुछ क्वालिटीज आती हैं और वो कौन सी हैं वजी नम वा अन्द हम अला रब उलाय का और वो लोग और वो कि उन्होंने जो कुछ दिया इस हाल में देते हैं कि उनके दिल डरने वाले होते हैं यानी उनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है और किस बात का कि यकीनन वो अपने रब की तरफ ही लौटने वाले यानी जो कुछ भी वो दुनिया में कर रहे हैं उन्हें एक दिन अल्लाह ताला के सामने जाके हर बात का जवाब देना है ये वो लोग हैं जो नेक कामों में जल्दी करते हैं और यही उनके आगे और यही उनकी तरफ आगे निकलने वाले तो एक क्वालिटी जो इन लोगों में पाई जाती है वो कौन सी है कि वो नेकियों में जल्दी करने वाले हैं और आज की हमारी दुआ भी नेक्यू में जल्दी करने की है कि हम अल्लाह ताला से ये दुआ मांगेंगे कि हमें ऐसा बना दे कि जो नेकियों में जल्दी करने वाले हों दुआ नंबर ट्वेंटी सिक्स है بقردوة بر جامدوة اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني واذا اردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون اسالك حبك وحب من يحبك

मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ और उस शख्स से मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करता हो और तुझसे ऐसे काम करने की तोफीक चाहता हूँ जो तेरी मोहब्बत के हसूल का सबब बने तो अब देखे नेकियों में जल्दी करने वालों को और क्या शौक होता है कि उनको अल्लाह ताला की मोहब्बत भी हासिल हो इनशा ओ अल्लाह एस्क यू ऑफ द पुअर एंड दैट यू फॉरगिव मी and have mercy upon me. And when you have willed fitna in the people, then take me without the fitna. And I ask you for your love and the love of whomever you love and love of the deeds that bring one nearer to your love. Amen. इसके बारे में एक तवील हदीस है और बहुत जबरदस्त एक वाक्य है जैसे ये ना तो चलिए ये स्टोरी भी पढ़ते हैं इनशाला माज बिन जबी कहते हैं कि एक सुबह रसूल ने हमें नमाज पढ़ाने से रोक कर रोक के रखा यहाँ तक कि करीब हम सूरज की को देख लें यानी सूरज निकल आए फिर आप तेजी से हुजरे से बाहर तशरीफ लाए लोगों को नमाज खड़ी करने के लिए बुलाया आपने नमाज पढ़ाई और नमाज मुख्तर की फिर जब आपने सलाम फेरा तो आवाज़ देकर लोगों को अपने करीब बुलाया फरमाया अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ फिर आप हमारी तरफ मुतवे हुए आपने फरमाया मैं आप हजरात को बताऊं कि फजर में बर वक्त मुझे तुम लोगों के पास मस्जिद में पहुंचने से पहुंचने से किस चीज ने रोक लिया मैं रात में उठा उदू किया तहजद की नमाज पढ़ी जितनी भी मेरे नाम लिखी गई थी फिर मैं नमाज में उमने लगा यहाँ तक कि मुझे गहरी नींद आ गई अचानक क्या देखता हूँ अब देखिए ये चीज भी याद आपने रखनी है कि अम्बिया के जो ख्वाब है वो सच्चे होते हैं अचानक क्या देखता हूँ कि मैं अपने बुजुर्ग रब के साथ हूँ और वो बेहतर सूरत और शक्ल में है उसने कहा ऐ मोहम्मद मैंने कहा मेरे रब मैं हाजिर हूँ उसने कहा मल आला यानी फरिश्तों फरिश्तों की ऊंची मरतबे वाली जमात किस बात पर झगड़ रही है मैंने अर्ज किया रब करीम मैं नहीं जानता अल्लाह ताला ने ये बात तीन बार पूछी आप फरमाया मैंने अल्लाह जलाल को देखा कि उसने अपना हाथ मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा यहां तक कि मैंने उसकी उंगलियों की ठंडक अपने सीने के अंदर महसूस की हर चीज मेरे सामने रोशन होकर आ गई और मैं जान गया और पहचान गया फिर अल्लाहल ने फरमाया मोहम्मद वसल्लम मैंने कहा रब मैं हाजिर हूँ उसने कहा मला कि फरिश्ते किस बात पर झगड़ कर रहे हैं झगड़े झगड़ रहे हैं यानी जो ऊंचे वाले फरिश्ते मैंने मैंने कहा कुफारात के बारे में उसने पूछा वो क्या है मैंने कहा नमाज बाज के लिए पैरों से चलकर आना नमाज के बाद मस्जिद में बैठ कर दूसरी नमाज के लिए इंतजार करना नांगवारी के वक्त भी मुकम्मल वजू करना उसने पूछा फिर किस चीज के बारे में बहस कर रहे हैं मैंने कहा मोहताजों और जरूरतमंदों को खाना खिलाने के बारे में नरम बातचीत में जब लोग सो रहे हो उस वक्त उठकर नमाज पढ़ने के बारे में रब करीम ने फरमाया मांगो और क्या मांग मांगते वक्त कहो अल्ला असलफ़ैल खैरा तरक व वब्बल मसाकिन वली व तरह वरतफित तन कौमिन गैर मफतून حبك وحب असअलकुब्बका يحبك وحب हब्बू يقربني إلى حبك. और फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा कि ये हक है इसे पढ़ो याद करो और दूसरों को पढ़ाओ और सिखाओ तो अब आप देखें कि यहाँ पे कुफारात का क्या मतलब है यानी ऐसी तमाम नेकिया जिनसे हमारे गुनाह धुलेंगे इनशाला यानी जो भी अगर हमारे अमाल नामे में कोई गुनाह है कोई गलतियां हैं तो इन सब कामों को करने से हमारे गुनाह नेकियां धुल जाएंगे इनशाला कौन से हैं नंबर वन नमाज जमात के लिए पैदल आना फिर मस्जिद के बाद नमाज के बाद मस्जिद में बैठ दूसरी नमाज के इंतजार करना यानी आप देखें ऐसे अक्सर मौका मिलता भी है ना हमें फिर ये देखें ये तो हम हर वक्त कर सकते हैं नागवारी के वक्त भी मुकम्मल वजू करना बहुत दफा हमारा वजू होता है ना तो हम कहते अच्छा नहीं मेरा तो वजू है मैं इसी में नमाज पढ़ लू लेकिन दिल नहीं चाह रहा फिर भी वजू करें तो वो कैसी नेकी है आपकी जिससे आपके गुनाह धुलेंगे इन फिर इसके बाद जरूरतमंदों को खाना खिलाना सदका करना नरम बातचीत जब लोग सो रहे हैं उस वक्त नमाज पढ़ना और फिर ये दुआ मांगना तब तो आप देखें कि ये अल्लाह सुबहान अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ये दुआ सिखाई तो इसलिए हमें भी इस दुआ को अपनी दुआओं का हिस्सा बनाना है ठीक है अब आप देखें कि इस दुआ में हम अल्लाह तला से क्या मांग रहे हैं नेकियों को करने की तोफीक यानी वही बात है ना फेल अल खैरात और खैरात कहा गया यानी प्लूरल गया है जिसका मतलब है कि बहुत सारी नेकिया करने की अल्लाह तो फरमा फिर बुराइयों से बचने की जो है, जो हराम काम है गलत काम है गुनाह के काम है अल्लाह ताला हमें तोफीक दे कि हम उन सब से बच जाएं। फिर लविंग द पुअर हब्बुल मसाकिन यानी मसाकिन के दिल में मोहब्बत हमदर्दी उनके लिए जैसे आप देखिए मैं कहती हूँ ये भी ना अल्लाह की तरफ से होता है कि कुछ लोगों के दिलों में नरमी होती है वरना आपने ऐसे भी देखा होगा कि बाजो कुछ जरूरतमंद होते हैं तो लोग क्या कहते हैं छोड़ो इसको ये तो ड्रामे कर रहा और अब आप देखिए चले जो ड्रामे कर रहे हैं वो उसका मामला अल्लाह के साथ है लेकिन हमें हर एक के बारे में ऐसे तबसरे और स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए क्या पता वाकई वो जेनुअन हो तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि हमारे दिलों में जो मसाकीन हैं जो गरीब है जो यतीम है उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो हमें ना उनका एहसास हो और हमारे अंदर जैसे और आजी आए हम्बलनेस आए ये सोच के कि अल्लाह ने मुझे कितना नवाजा है और मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं इनको दे सकूं जैसे तो वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है तो जिस इंसान के पास हो और फिर साथ ही उसके अंदर मसाकीन की मोहब्बत भी हो तो ये सोने पे सुहागा सो हो गया आप कह लें यानी डबल एक खैर होगी कि आपके पास माल भी है और साथ आप अल्लाह की मोहब्बत में उस पर दूसरों पे, पे खर्च करते हैं यानी आप दूसरे की मदद करते हैं तो एहसास करके फिर आप देखें एक और चीज भी हुबुल मसाकिन में आती वो ये भी आती है कि जैसे जिसको मसाकि से मोहब्बत होती है ना या जो लोग Uh, मतलब जैसे अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं तो फिर वो ना ये इस तरह की बातें नहीं करते कि अच्छा हाँ ये पता नहीं अब दे तो दिया और फिर सही जगह इस्तेमाल करना और मैंने इतनों का सोचा था फिर तुम्हें दिया यानी आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरे की मदद भी करते हैं मगर इतना एहसान जताएंगे इतनी बातें करेंगे कि उस इंसान का दिल ही टूट जाता है। मन वजा जो आता है ना कुरान में तो जिससे मोहब्बत होती है ना वो फिर दूसरे का एहसास भी करता है कि मसलन अगर मैंने इसको दिया तो मुझे अल्लाह ने दिया है जैसे एक जो इस दुआ को मांगने वाला कैरेक्टर है इंसान है वो कैसा है कि अगर कोई मिसकीन उसका शुक्रिया अदा करेगा तो आगे से क्या कहेगा कि देखिए ये तो अल्लाह का दिया हुआ माल है अल्लाह ने मुझे सबब बनाया ये बात जो कह सके वो उसे वाकई ही मोहब्बत है मसाकीन से वरना तो आप देखिए लोग कहते हैं हां बस वो मैंने ना सदका निकाला था तो आपकी याद आ गई तो मैंने कहा आपको दे दूं और एक ये है कि आप कहें कि बस अल्लाह का फजल है अल्लाह का करम है माल तो अल्लाह का दिया हुआ है मैं तो उसके दिए हुए में से आपको दे रही ये तो बस सब अल्लाह की तरफ से है आ ذو من فضل ربی तो ये होती है मसाकीन की मोहब्बत अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए कि हम हर बात को अपने रब की तरफ पलटाने वाले इंशाल्लाह फिर इसी तरह आप देखें अगली चीज हम क्या मांग रहे हैं वो अंतक फिर वो तरह नहीं या मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मुझ पर अपनी रहमत नाजिल कर यानी गुनाहों की बख्शिश गफर गफरा में तीन मीनिंग्स आते हैं एक तो या माफ कर दे दूसरा उनको छुपा दे और तीसरा उनको मिटा दे

कुरान का मिलना अल्लाह की रहमत है बोलना अल्लाह की रहमत है सुनना अल्लाह की रहमत है हिदायत अल्लाह की रहमत है यानी आपकी जिंदगी में जो भी ब्लैसिंग है वो सब अल्लाह की रहमत है तो हम अल्लाह से क्या दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे और हम पर रहम फरमा फिर कीप मी फ्री फितने से मुझे महफूज रख इजा अरत फितना तनफी क ये अल्लाह जब भी तेरा इरादा हो किसी कौम को आजमाइश में डालने का तो मुझे उससे महफूज रख लेना जैसे आप देखें ना आजकल जो एक फितना है ये बीमारी आई हुई है तो ये भी एक आजमाइश है ना तो अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे और फिर वो असअल का, का और ये आखिरी हिस्सा दुआ का बहुत ही प्यारा है ये अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करती हूँ ब्बा मैहब्बू का और उस शख्स की मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करता है ये कितनी जबरदस्त बात है यानी यानि अल्लाह या मुझे उस शख्स से मोहब्बत हो जाए जिससे तू मोहब्बत करता है यानि वो शख्स भी अल्लाह से मोहब्बत करता है। और फिर वहब्बा इला अलाब्बिक और उस अमल की मोहब्बत जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे यानी हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाए, हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे लव करे हमसे मोहब्बत करे इसका फायदा क्या होगा इस दुआ की सबसे जो हाईलाइट है ना वो क्या है इस दुआ में हम अल्लाह की मोहब्बत और नेकियों का शौक मांग रहे हैं अब आप देखें कि अल्लाह की मोहब्बत के बारे में दो रवायात हैं इसको हम पढ़ते हैं उससे अल्लाह की मोहब्बत हमें और क्लियर हो जाएगी क्या होती है अब से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो अलैहि सलाम को पुकार कर कहते हैं कि अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करते हैं इसलिए तू भी इससे मोहब्बत कर चुनाचे अलैहि सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं और अहले आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं अल्लाह फला शख्स से मोहब्बत करता है इसलिए तुम सब भी इससे मोहब्बत करो चुनाचे आसमान वाले भी इससे मोहब्बत करने लगते हैं और जमीन में उसके लिए कबूतियत लिख दी जाती है <clears throat> यानी जब हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो इन रिटर्न क्या होगा हमें भी अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी तो जब हम तो आप देखिए ना इन रिटर्न मिलेगा ना जब आप मोहब्बत मांगेंगे तो आपको मोहब्बत मिलेगी अल्लाह से फिर क्या होगा सलाम आपसे मोहब्बत करेंगे सारे फरिश्ते मोहब्बत करेंगे और वो जमीन में लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल देंगे फिर इसमें कुछ अल्फाज का इजाफा भी है रसोल ने फ़रमाया अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो ज़िब्राम को बुलाता है और फरमाता है मैं फला से मोहब्बत करता हूँ तुम भी उससे मोहब्बत करो चुनाचे ज़िब्रैस उससे मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं अल्लाह फ़लाँ से मोहब्बत करता है तुम भी उससे मोहब्बत करो चुनाचे उससे आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं फिर उसके लिए ज़मीन में कबूलियत लिख दी जाती है और जब अल्लाह ताला किसी बंदे से नाराज होते हैं तो सलाम को बुला कर कहते हैं मैं फला से नफरत करता हूँ तुम भी उससे नफरत करो चुनाचे चुनाच सलाम उससे नफरत करते हैं फिर आसमान वालों में ऐलान करते हुए कहते हैं अल्लाह फला से नफरत करता है इसे तुम लोग भी उससे नफरत करो फिर जमीन वालों में उसके लिए नफरत लिख दी जाती यहाँ पे आप देखें जो एक हमें बात समझ आ रही है ना वो क्या है कि अल्लाह की मोहब्बत अगर मिल जाए तो इंसानों की मोहब्बत खुद ब खुद मिल जाएगी हमारी असल में ना डायरेक्शन गलत है हम क्या करते हैं? हम इंसानों के पास मोहब्बत तलाश करते हैं और अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते लेकिन जब अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह खुद ब खुद हमें हमारी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा जैसे आप देखें ना कि बात किसी इंसान की मोहब्बत हासिल करने के लिए लोग कितना कुछ करते हैं यानी कुछ औरतें जो हैं वो या वो दूध की तस्वीर पढ़ती हैं कि शोहर के दिल में मोहब्बत आ जाए और मैं किसी से सुना था ना कि वो इस तरह की वज़ाइफ करती हैं बाकायदा औरतें कि शोहर उनसे मोहब्बत करने लग जाए हालांकि इतना सिंपल सा नुस्खा है और वो क्या है आप अल्लाह से मोहब्बत करें अल्लाह आपसे मोहब्बत करें और अल्लाह तोहर के दिल में और सब लोगों के दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल देंगे वजाय इसके अन नेचुरल तरीके अपनाए और फिर उसमें आके अल्लाह की नाफरमानी के भी काम कर जाए बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. हाँ यानी कितने सारे तरद किए जाते ठीक है आप देखें वो भी सही है बेशक खाने भी पकाएं खिदमत भी करें वो सब चीजें अल्लाह ही आपके दिल में डालेंगे जब आप अल्लाह की मोहब्बत मांगेंगे लेकिन इंसानों से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करें और सबसे सबसे ज्यादा अल्लाह से, से, अल्ला से मोहब्बत करें ईमान वालों की ये क्वालिटी भी कुरान में आती है वल्ला दीना आमन अशद हब्बल्ला जो ईमान वाले वो अल्लाह से मोहब्बत में सबसे ज्यादा शदीद होते हैं तो हमें अपने रब से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है फिर आप देखें अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए कुछ क्वालिटीज़ भी हमें कुरान मजीद से पता चलती हैं कि किन से अल्लाह मोहब्बत करता है असवाबरीन सबर करने वालों से विकीन सच बोलने वालों से वल कौन कनात करने वालों से यानी जैसे भी हालात हैं अल्लाह ताला की अतातों फिर मबरदारी करने वाले वल मुनफिकीन अल्लाह के रस्ते में खर्च करने वाले वल वलमफरीन और अल्लाह के रस्ते में स्तफार करने वाले यानी एक तो अल्लाह की मोहब्बत भी मांगे अल्लाह से और साथ साथ ये क्वालिटीज भी अपने अंदर पैदा करें ताकि हमें अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए और जब अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी तो सब लोगों को लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे आप देखें ना कि बज दफा कुछ लोग हमारी जिंदगी में होते हैं जो अल्लाह के दीन का काम कर रहे होते तो हम हम उनको जानते भी नहीं होते लेकिन हमारे दिल में उनके लिए अच्छी फीलिंग्स होती है जैसे में से बहुत सारे लोग उस ताजा फरत को नहीं जानते लेकिन हम सब के दिल में उनके लिए कितनी मोहब्बत है एहतराम है ये कैसे है अल्लाह की खातिर है ना तब तो आप देखिए जब आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो सारे जमीन वाले खुद ब खुद आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे तो लिहाजा ऐसे तरीके ना अपनाएं कि मसलन अन नेचुरल किस्म के हाँ बहुत सारे कार्ड लिख के भेज दें बहुत सारे फूल बना लें फिर उसके बाद शायद दूसरा इंप्रेस हो जाए नहीं दुआ करें और अपना चैनल सही रखें फिर अल्लाह सुबह खुद ही दिलों में मोहब्बत डाल देंगे इनशा चले अब इसकी डिविजन देख लेते इ बेश मैं तुझसे सवाल करती हूँ फेला करने का अल यानी खैरात खैर की जमा यानी अल्लाह मैं चाहती हूँ बहुत सारी निकिया एक्सेसिव वह तर्क और छोड़ने का अलमुनकर बुराइयों को मुनकर का लफ्ज जो है ना वो हर उस गुनाह के लिए आता है जो अकली भी तौर पर हराम हो और शरीयत ने भी उसको हराम करार दिया हो वह हुब, वह्ब्बा और मोहब्बत अलमसाकिन वसाकिन की वह अन और ये के तग फिर ले तो बख्श दे मुझे वह तरहमनी तरहनी और मुझ पर रहम फरमा वह इज़ा और जब अरब का तू इरादा करे फितना तन फितने का फी कौमिन किसी कौम के बारे में तवफ़ा तो फौत कर दे मुझे गैर मफतून बग़ैर आजमाइश की यानी अल्लाह उस आजमाइश के आने से पहले ही मेरी जिंदगी ख़त्म हो जाए का मैं सवाल करती हूँ तुझसे हब्ब का तेरी मोहब्बत का वब्बा और मोहब्बत का मैं युब्बू जो तुझसे मोहब्बत करता है हब्ब और मोहब्बत अमल इन उस अमल के युकर जो करीब कर दे अला तरफ हुब्बी का तेरी मोहब्बत के इन अल्लाह तेरी मोहब्बत और उस इंसान की मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करता है और उन अमाल की मोहब्बत जो मुझे तेरे करीब कर दे जो हमने अभी कुछ देखे भी इन शे अब इसको रवा तर्जुमे से पढ़ते हैं अल्लाह मनी अस अलकफेल अल्लाह बेशक मैं तुझसे नेकियां करने वतर कल मुनकरात और बुराइयों से बचने व हुब्बल मसाकीन और मसाकिन से मोहब्बत का सवाल करती हूँ वो अंतग फिर अली व और ये कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा व इजा अरत तफितना तन फी कौमिन और जब कभी तू इरादा करे फितने का किसी कौम के बारे में फ़नी गई रफ्तून तो मुझे बगैर आजमाइश के फौत कर दे असलक का हब्ब का और मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करती हूँ वह हब्ब मई उ का और उसकी मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करता है वह हब्ब अमलीबुनी अला हब्ब और उस अमल की मोहब्बत का जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे आमीन चलिए इंशाल्लाह कुछ स्टूडेंट से ये दुआ पढ़वा लेती हो फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों के जो दुआ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ही प्यारी दुआएं लिख के भेजी है अल्हम्दुलिल्लाह ये कि बस क्योंकि अब हमारा लास्ट वीक है तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। जी कुरुतुलेन आप पढ़े? जी इन्नी अल्लाहु फेल बेशक से करने, तरकल और मस्किनों से मोहब्बत का सवाल करती हूँ मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा व इज़ात था फितना था फी कौम और जब तू किसी कौम को आजमाइश में मुबला करने का इरादा करे मफतून तो मुझे बगैर इस माश के फोड़ कर दे, अस आलू का हुब्बा का और से तेरी मोहब्बत का सवाल करती हूँ वह हुब्बा मई हब्बू का और उसकी मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करता है वह हब्बू अमली करब इला हुब्बिक और उस अमल की मोहब्बत का जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे Salam alaikum. Wa alaikum salam. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك مفتون أسألك حبك وحبك من يحبك وحب عمل يقربني إلى حمدك. الله. Oh i seek of you, of you the doing of the good deeds, avoiding the evil deeds, loving the poor, and that you forgive me and have mercy upon me. and when you have willed fitna and the people, then take me without the fitna. and i ask you for your love, the love of whom, whoever you love, and love of the deeds that bring one nearer to your love. <laughs> अल्लाह का फैलॉत बेशक मैं तुझसे तुझसे नेकियां करने व तरकल मुनकरात और बुराइयों से बचने हुबल मसाकीन और मस्किनों से मोहब्बत का सवाल करती हूँ अन तगफिर ली व तरहम्नी और ये कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा व इजाफिल और जब तू किसी कौम को आजमाइश में मुबतला करने का इरादा करे फतवफानी मफतून तू मुझे बगैर आजमाइश के फौत कर दे असलू का हब्ब का मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करती हूँ वह हब्बा मैं युहब्बू का और उसकी मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करता है वह हब्बा अमर लिंग युकर्रिबू इला हब्बिक और इस अमल की मोहब्बत का जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे आमीन आ बारक अल्लाह की बहुत अच्छा माशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी दुआ प्रोजेक्ट्स आपको दिखा देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ एल्बम डायरी जो है वो अब कंप्लीट हो गई होगी माशाल्लाह अब तो खाली चार दुआएं रह गई ये अमरीन अजीज का माशाल्लाह उनकी दुआएं लिखी है अपनी जो फिर ये गुलनाज सवार उनकी दुआएं हैं आप देखें इन्होंने भी माशाल्लाह बहुत मेहनत से नीट करके और हर दुआ के अंडर उसका तर्जमा भी लिखा है ये भी गुलनाज का ही काम है उनकी डायरी है माशाल्लाह फिर ये अफशा ने अपनी दुआ डायरी भेजी माशाल्लाह ड्राइंग वगैरह भी की है और फिर ये हिना इकबाल ने यानी अफशा ने ये कार्ड भेजा है और हिना इकबाल की ये कलरफुल जो दुआएं लिखी हुई फिर क़ुरत भट का ये उनकी डायरी है कंटिन्यूएशन है माशाल्लाह पहले भी इन्होंने भेजा था अपना काम फिर इसके बाद ये भी क़ुरतन की डायरी है ये उजमा वही उनकी डायरी है और उन्होंने जैसे स्लाइड भी बनाई है और उसके अलावा एक कोई स्टूडेंट है माशाल्लाह पाकिस्तान से उन्होंने पूरी स्लाइड्स बना के भेजी है ये आप देखिए इनका मुबर्रा नवीद ये इनकी दुआ डायरी है और फिर जैसे आप देखते जाए इन्होंने माशाल्लाह इतनी अच्छी पहले नंबरिंग की और फिर दुआ टेन ऑनवर्ड इन्होंने फिर सारी दुआएं इस तरह बड़ी प्यारी स्लाइड्स बना के और फिर सब लिखी है एक तरफ आप देखें अरबी है एक स्लाइड में फिर उर्दू इंग्लिश तर्जुमा है फिर इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है माशाल्लाह वो भी इन्होंने साथ साथ एक्सप्लेन किया है फिर दुआ इलेवन इसमें भी इसी तरह उन्होंने उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन फिर क्या इसमें मांगा जा रहा है अल्लाह से डिवीजन के साथ बहुत ही अच्छा और नीट काम है इनका माशाल्लाह आप क्लास में है मुबर्रा मुझे अब याद नहीं आपको मैंने देखा हो कभी क्लास में लेकिन कुछ लोग देखें ना हो सकता है रिकॉर्डिंग से शायद कर रही है फिर आप देखें दुआ थर्टीन बहुत माशाल्लाह मेहनत से काम किया अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हाइलाइट्स जो है ना वो सबसे जबरदस्त है बिल्कुल ये देखे, ये कितना प्यारा इन्होंने बनाया माशाला मुबारक मुझसे अच्छी तो इन्होंने स्लाइड्स बनाई <laughs> बहुत बहुत जबरदस्त बिल्कुल <clears throat> माशा ये भी आप देखें कितना अच्छा तरीका है अल्लाह उमिका यानी सात नंबरिंग दे दी ताकि सीक्वेंस हमें याद रहे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है अल्लाह मुबारक लब आपकी कोशिशें कबूल फरमाए और जितना वक्त आपने इन दुआओं को लिखने में टाइप करने में लगाया अल्लाह ताला एक एक सेकेंड को हसनात के तौर पर आपसे कबूल फ़रमाए जितने भी स्टूडेंट्स ने डायरीज बनाई क्योंकि आप देखिये वही बात है कि आपने एक्स्ट्रा वक्त निकाला ना इस काम के लिए और रमजान में इंसान को जरा मोटिवेशन भी होती है कि वो ऐसे कामों में थोड़ा वक्त लगाए तो फिर ये होता है कि बाद में आपको एक अच्छी यादें होती हैं आपकी ना उस काम के साथ कि मैंने दुआ डायरी बनाई थी हमारी दुआ क्लास होती थी और फिर बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आपको सीखने का मौका मिलता है चलिए इंशाल्लाह मैं इन स्टूडेंट से पूछ लूंगी अगर उनको एतराज नहीं है तो इंशाल्लाह फिर